लिखाई लिख बैठे बैठे करके इतने टिका इतना ग्रंथ लिखे, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं रहे, हम उसको पढ़ नहीं रहे। इतने ग्रंथ कष्ट करके, कितने कितने कष्ट करके सब ग्रंथ लिखा, दिन रात बिना सोए बिना के। और हमारे संप्रदाय इतने महान है, हमारे आप दूसरे दूसरे संप्रदाय में देखो एक दो ग्रंथ देखना कहीं है, लेकिन हमारे संप्रदाय में हमारा गोस्वामी ने इतने इतने ग्रंथ लिखे, इतने इतने रूप गोस्वामी के तो कितने ग्रंथ लिखे, सनातन गोस्वामी के तो कितने लिखे, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के तो कितने ग्रंथ है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे, रघुनाथ दास गोस्वामी को देखो कितने ग्रंथ इन लोगों ने लिखे। हमारे संप्रदाय में तो श्री जीव गोस्वामी के देखो षट संदर्भ, गोपाल चंपू, हमारे संप्रदाय ना पूर्ण है, पूर्ण है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है हम लोग इसको ग्रंथ को नहीं पढ़ रहे। और गुरुदेव भी जो हिंदी में, जो बंगला में था ना, वो हिंदी में गुरुदेव ने ट्रांसलेशन किया है, लेकिन इतने कष्ट करे गुरुदेव ने, महाराज को पता है, क्योंकि महाराज गुरुदेव को सारे प्रूफ रीडिंग करते थे। गुरुदेव एक ग्रंथ निकालते थे 10-15 आदमी लगे थे, एक अकेले महाराज जो ग्रंथ लिखते थे उसको प्रिंटिंग करने के लिए 10-15 आदमी लगे हुए थे। हाँ, इसलिए गुरुदेव सोच रहे थे जिंदा रहते रहते जितने ग्रंथों को मैं प्रकाश करके जाओ, पता नहीं बाद में हाँ? बाद में कितना ग्रंथ प्रकाश होगा नहीं होगा। लास्ट में भी देखा जब गुरुदेव गोवर्धन में थे, जो उनको स्पंडलाइसिस हो गया ना, गुरुदेव मतलब कितने कष्ट किया गुरुदेव ग्रंथ प्रकाश में इतनी गया, गुरुदेव ऐसे मतलब ऐसे ऐसे नहीं कर सकते थे। मतलब बहुत कष्ट करके गुरुदेव ने इस ग्रंथ को रचना की। इस्कॉन में स्वामी प्रभुपाद जी, हाँ, उन्होंने बीबीटी एक अलग ही बनाया, भक्तिविदान बुक ट्रस्ट, उसको अपनी इस्कॉन सोसाइटी से अलग रखा। क्यों अलग रखा? बोलते अगर हो सकता है फ्यूचर में अगर हमारे सोसाइटी में कुछ धन की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, उससे बीबीटी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, बुक बुक की जो ट्रस्ट है वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, मेरी उस सोसाइटी डाउन हो जाए लेकिन बुक सोसाइटी डाउन नहीं होनी चाहिए। और भक्ति सिद्धांत श्रील भारती महाराज जी बतलाते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद अपने शिष्यों को बोल रहा, जब मठ बनाएंगे तो मठ की जो दीवार है उसको स्ट्रांग नहीं बनाना, ज़्यादा सीमेंट नहीं लगाना। सब लोग बोले हैं गुरुदेव हम तो सोचे कि स्ट्रांग होनी चाहिए, बोले नहीं मेरा मठ बनाने का उद्देश्य है ग्रंथ प्रचार, और अगर भविष्य में मेरे पास धन नहीं होगा पैसा नहीं होगा तो मठ की दीवार एक एक ईंट को निकालकर बेच दूंगा लेकिन ग्रंथ को प्रकाशित करूंगा। तो ये हमारी पूरी परंपरा है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से, और जितने भी हमारे भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद और फिर हमारे हमारे गुरुदेव, सारा जीवन वो ग्रंथ को इतना परिश्रम करके। गुरुदेव कभी हवाई से फोन करते थे हमको, क्या हो गया हमारे ग्रंथ का, मैं आऊँ तो तैयार रखना। हे भगवान, तैयार रखना होता 2 महीने में कैसे तैयार हो जाएगा, 1 महीने में। गुरुदेव वॉज वेरी रेस्टलेस, आई वॉन्ट टू दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, और फिर हिंदी के बाद फिर इंग्लिश में। इसलिए अभी मैं अमेरिका में गया था, वहाँ पर बहुत स्टॉक पड़ा है बुक्स का, तो वहाँ पर एक राधा दीदी है, शी इज टेकिंग सो सीरियसली अबाउट दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस, शी इज ट्रैवलिंग अलोन, शी इज मैरिड बट शी इज ट्रैवलिंग अलोन एवरीवेयर इन द स्ट्रीट्स, यू नो जस्ट टेलिंग एवरी वन टेक दिस बुक, टेक दिस बुक, टेक दिस बुक। सो व्हेन पीपल आर आस्किंग हाउ मच, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम $1 टू $100 million, एज मच एज यू कैन। The price of one book is from $1 to 100 million. So how much as you can? So people are giving $5, $3. It is only the bare cost of the book, not the complete, there is no profit in that. Guruji ऐसे बोले थे, और हमारा हिंदी का जो था गुरुजी बोलते थे रेट के रेट पे बेच देना हम, दिस इज मेंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन नॉट फॉर एनी प्रॉफिट। ये ग्रंथ जो हमारा, ये हमारा जो महाराज जी बतला है, ये पूरा हमारे संप्रदाय का एक बहुत बड़ा है। अभी हम वहाँ बेजल में थे, न्यूयॉर्क में, सॉरी अमेरिका में, एक बड़ा अच्छा पॉइंट निकला का था। इस्कॉन में प्रभुपाद जी को बोलते हैं ना कि प्रभुपाद जी बोले थे बुक्स आर द बेसिस,
प्योरिटी इज द फोर्स और प्रीचिंग इज द एसेंस. बुक्स आर द बेसिस. प्रभुपाद जी का जो ऋण है वो पूरा जगत कभी चुका नहीं सकता. जो वो इस संसार को दे गए हैं, हम लोग सब लोग उनकी कृपा से कृष्ण भक्ति में आए. लेकिन राधा दामोदर मंदिर में बैठकर श्रील स्वामी महाराज दिन रात जो इतना परिश्रम करके ट्रांसलेशन किया, भागवतम चैतन्य चेतावनी, कितना परिश्रम है ना. किसके लिए किया? उनके पास तो अवेलेबल था, ही कैन रीड बंगाली, ही कैन रीड बंगाली, बट ही हैज डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द होल वर्ल्ड. अपकमिंग साधकर्स, दे विल रीड दिस, दे विल अंडरस्टैंड द फिलोसफी विद द कमेंट्रीज, भागवतम एंड अदर बुक्स. बट माई पॉइंट देयर वॉज बिकॉज आई वॉज ग्लोरीफाइंग ऑल अदर आचार्यस ऑल्सो, हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, माई गुरु महाराज. आई वॉज टेलिंग दैम those devotees who were sitting there, and there were disciples of Srila Swami Maharaj also. With due respect, I was telling that every acharya has a contribution. Every acharya. Because when Srila Swami Maharaj was sitting at Radha Damodar temple and he was translating books, he was referring one book, and that's why he was translating. So what, from where he was referring that book? Kahan se liya wo? Wo to pehle se already available tha. Chaitanya Chaitanya was available. Bhagavatam was available. But who produced at Chaitanya Chaitamrita and who produced at Bhagavatam? Then my Guru Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Bhakti Budhev Shroti Goswami Maharaj. They are the one who produced these books under the guidance of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. My Guru Maharaj whole, he's always like this, you know. Whole life he just burned like a lamp. And done this. And that's why the book was there. And Srila Swami Maharaj, he took the reference of this book. And it's translated. Everyone knows this. So I was telling them, if the contribution of Srila Swami Maharaj is there, with due respect, we know. But there's also contribution of other acharyas, which is behind the scenes. Behind the scenes, what is not acknowledged. That we have to understand the foundation, the acknowledgement of those who are also there. The headquarters of ISKCON, where it is? Mayapur. Not only ISKCON, headquarters for all the Gaudiya Math is in Mayapur also and Nandi. But who preserved that Mayapur dham? Pragyan Prasad. Our Param Gurudev. Yadi hamare Param Gurudev nahi hote, agar unka ye contribution nahi hota, कौन मायापुर धाम को सुरक्षित रखता? घोड़े पर बैठकर और मुसलमानों से सब लड़कर मायापुर, मियापुर से वो मियापुर कर दिया. लेकिन परम गुरुदेव का कंट्रीब्यूशन, हु इज एक्नॉलेजिंग दिस, हिज कंट्रीब्यूशन. एंड व्हेन ही फॉट फॉर दिस, व्हेन ही प्रिजर्व दिस गौर धाम, मायापुर धाम, देन वी हैव हेडक्वार्टर्स, एवरीवन हैव हेडक्वार्टर्स. सो बिहाइंड द सीन द मेनी आचार्यस, बिहाइंड द सीन. So it is important to be, everyone should know this. Who are the behind the scene and what are the contributions? Actually, that is our duty from Gaudiya to emphasize this point. I am doing everywhere. Wherever I am going, I am speaking this katha. Because from where I got all these things? Yesterday I told in my class. In my life, two Shiksha Gurudev. Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vigyan Nardi Goswami Maharaj. So he is the one who is, you know, promoting and telling the whole world, what is the contribution of all the acharyas, the disciples of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. So they are behind the scene. We also need to know. And that's why everything was there. The paraphernalia is there and you're just cooking. But in that cooking is also struggle. We know Srila Swami Maharaj is so much struggling. But everyone did struggle. Not only one acharya. Every single acharya struggled. Maharaj Gurudev also, he gave commentary on Brahma Sutra, है ना? हाँ. Brahma Sutra. हमारे गुरुदेव सबसे जो कठिन कठिन जो सिद्धांत ग्रंथ है, हमारे गुरुदेव सारे सिद्धांत सिद्धांत ग्रंथों को रचना किया. सब इसलिए हमारे गुरुदेव का नाम है भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज. महाराज उसी नाम के लिए इसलिए नाम के लिए इसलिए उनका नाम भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज, इसलिए उनको ये सब नाम दिए हैं, ये सब नाम दिए. इसलिए हमारे गुरुदेव ने
बहुत परिश्रम किया, बहुत परिश्रम किया। इसलिए कहते हर किसी संप्रदाय में जब तक